हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि जब भी कोई ईमेल आता है कुछ इस तरीके से जिसके फुटर में सिग्नेचर किया होता है और काफ़ी एड्रेस दिया होता है, एक प्रोफेशनल ईमेल आप कैसे भेज सकते हैं। कुछ इसी तरीके का आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने जीमेल अकाउंट में कैसे अपना सिग्नेचर और कुछ डिटेल्स जो है फिट करके रख सकते हैं। जब भी आप कोई भी मेल लिखेंगे उसके नीचे चला आएगा और उसके साथ चला भी जाएगा। तो यहाँ पे चलिए, उसके लिए हमको चलना होगा सीखने के लिए जीमेल में। तो मैं अभी खोल लेता हूँ अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये देखिए, मैं अपना जीमेल अकाउंट ओपन किया हूँ। इस तरीके से आप अपना ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको एक गियर का ऑप्शन दिखेगा जो कि सेटिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे वापस से यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा, थोड़ा वेट होगा क्योंकि यहाँ पे लोडिंग लिख के आएगा, थोड़ा वेट करिएगा। यहाँ पे एक नया पेज ओपन होके चलाएगा। मैं भी थोड़ा वेट कर लेता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो करके चलाया है सेटिंग का, जहाँ पे जनरल, लेबल्स, इनबॉक्स काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे आपको जनरल ही रहने देना है और नीचे चलते आना है। यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो, चलिए मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। ये देखिए, नीचे आएंगे तो ये बॉक्स आपको दिखेगा सिग्नेचर का। यहाँ पर नो सिग्नेचर करके ऑप्शन पर सेलेक्ट है, तो यहाँ पर आप नीचे वाले पे सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करना है तो आपको यहाँ पे आना होगा इंसर्ट इमेज पे, यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि माई ड्राइव का ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पे आप यहाँ पे पहले से कुछ इमेज अगर सेलेक्ट यहाँ पे अपलोड किए होंगे सिग्नेचर का, तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप अपने पीसी से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका जो है कि इनबॉक्स खुल जाएगा, सॉरी इनबॉक्स कह रहा हूँ मैं, ये आपका जो है स्टोरेज है वो खुल जाएगा। और यहाँ से आप अपने सिग्नेचर को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर में ये सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे फ़ोटो इस तरीके से अपलोड हो चुका है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमको ऑप्शन मिलेगा स्मॉल करने का, मीडियम करने का, लार्ज करने का या फिर ओरिजिनल साइज़। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्मॉल कर देता हूँ। इसके बाद अगर आपको कुछ यहाँ पे लिखना भी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ पहले से ही लिख के रखा हूँ, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सारा का सारा, सेलेक्ट ऑल, और इसके बाद यहाँ पर कॉपी करके ले आ करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी अपना नंबर वगैरह भी अगर देना चाहते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर वगैरह अगर यहाँ पे देना चाहते हैं, या फिर अपने कंपनी का नाम, या फिर कुछ और यहाँ पे लोगो लगाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना होगा। थोड़ी देर में ये सेव हो जाएगा और मैं आपको कंपोज बॉक्स में ले जाके दिखाऊँगा कि किस तरीके से ये शो करेगा और किस तरीके से ये मेल करेंगे आप तो जाएगा। ये देखिए, हमारा सेव चेंजेस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हम कंपोज पे क्लिक कर लेते हैं, कंपोज मेल पे। ये देखिए, जैसे हमने कंपोज मेल पे क्लिक किया, दो बार हमने क्लिक कर दिया था, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ चुका है। हम यहाँ पे अपना कुछ भी मेल आईडी जिसको भेजना है उसको यहाँ पे मेल आईडी उसकी लिखेंगे और यहाँ पर जो भी हमको लिखना है डेटा, यहाँ पर हम अपना जो भी डेटा लिखना चाहते हैं वो लिखते जाएंगे और यहाँ पर अगर इंटर करते जाएंगे तो ये नीचे होते जाएगा। सॉरी, ये देखिए इस तरीके से आप अपना यहाँ पे कुछ भी जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, मेल भेजना है, वो लिखिए। ये हमेशा लिख करके आते रहेगा सारे मेल में। जब भी आप जितनी बार भी मेल करेंगे जिसको, ये लिख के आएगा और चला भी जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रोफेशनल मेल आप लिख सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट में अपना सिग्नेचर, अपना नाम, मोबाइल नंबर या फिर अपने कंपनी का नाम, इस तरीके की डिटेल्स वगैरह आप कैसे एडिट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।